और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने 18 लाख लोगों का हक छीना है, बात कही है सीएम साय ने। गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे, 18 लाख लोगों के घर का सपना पूरा होगा। 8,40,931 पीएम आवासों को स्वीकृति मिली है। बीजेपी की सरकार बनाते ही गरीबों को हक दिया गया है, ये बात कही है सीएम साय ने। बस्तर के लिए 10,000 आवास की मांग की गई है। नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है। और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से, और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। हमारे नियत नीलानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेड़ का कुछ एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नीलानार योजना अलग से शुरू किए हैं। आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको शत प्रतिशत पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नीलानार के जो मतलब जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे।